रेशमा और रेहान की शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई औलाद नहीं है। तुम डॉक्टर के पास गई थी? गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला है मेरे सारे टेस्ट ठीक हैं। वो तुमको टेस्ट के लिए बुला रही हैं। मुझे क्या हुआ है? तुम अपना इलाज कराओ। शादी के वक्त मेरी पढ़ाई नामुकम्मल रह गई थी। मैं सोच रही हूँ फिर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूँ, ताकि मेरी बीए कंप्लीट हो जाए। तुम्हारी पढ़ाई का क्या फायदा? अपने बच्चे तो हैं नहीं, दूसरों के बच्चों पर ध्यान देती रहोगी। कम से कम ध्यान बटा रहेगा। आप तो इलाज के लिए राजी नहीं होते, तो फिर आगे बच्चे की भी उम्मीद नहीं है। क्या तुम समझती हो मेरे में कोई कमी है? और सुनो, मेरे पास तुम्हारी फीस के लिए कोई पैसे नहीं है। करना है तो अपने अब्बा से मांगो। अरे बेटा, अगर मैं पोते का मुंह देख लूं तो सुकून से मर जाऊं। अम्मी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप दुआ कीजिए हमारी औलाद की, अल्लाह आपकी जरूर सुनेगा। अम्मी, हमारा ऐसा नसीब होता तो आज इतना तरसना ना पड़ता। आप अपनी अम्मी के सामने मुझे इतनी जलीकटी क्यों सुनाते हैं? देखो, मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज कहने की जरूरत नहीं है, बदतमीज औरत। मैंने क्या कहा है उनको? मैं भी इंसान हूँ। मुझे हर वक्त इस तरह बेइज्जत करना कोई इंसानियत तो नहीं है, और ना ही अल्लाह को यह सब पसंद होगा। देखो, अगर अगले साल तक बच्चा नहीं हुआ ना, तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। रेशमा अपने अब्बू से फोन पे बात करती है। रेशमा, कैसी हो बेटा? अब्बू, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मैं अपनी बीए कंप्लीट करना चाहती हूँ। जी बेटा, बिल्कुल शुरू करो, अगर तुम्हारा शोहर इजाजत दे दे तो। अब्बू, उनको तो बस फीस की प्रॉब्लम है, वो फीस नहीं दे सकते। अच्छा, अगर हम फीस दे दें तो ठीक रहेगा, हम उसका बंदोबस्त कर देंगे। जी अब्बू, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने खाना नहीं बनाया? वो डॉक्टर के क्लिनिक में देर हो गई थी। इतना खर्चा हो रहा है इलाज पर, इससे तो बेहतर था कि मैं तुमको फारिग करके दूसरी शादी कर लेता। देखिए, आपको मुझे छोड़ना है तो छोड़ दें, रोज रोज तलाक का ताना क्यों देते हैं? अच्छा, तो अब तुम बदतमीजी भी सीख गई। अगर तुमने फिर कभी जवाब दिया ना, तो मैं तुमको वाकई तलाक दे दूंगा। आज कहाँ गई थी? यूनिवर्सिटी गई थी एडमिशन के लिए। तुम एडमिशन ले रही हो और फीस तुम्हारा बाप देगा क्या? जी, अब्बू ने फीस दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, वरना मैं तुमको तलाक दे दूंगा। आपने कभी गिना है आपने मुझे कितनी बार तलाक की धमकी दी है? ऑफिस से घर आने पर रेहान को रेशमा घर पर नहीं मिलती, वह कुछ देर के बाद आती है। तुम बाज नहीं आओगी, यूनिवर्सिटी गई थी ना? नहीं, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी अपनी फाइल लेने। डॉक्टर के पास जाने का भी क्या फायदा? अगर अगले साल तक बच्चा नहीं हुआ ना, तो तुमको वाकई छोड़ दूंगा। और इसको मजाक बिल्कुल मत समझना, मैं तंग आ गया हूँ। रेशमा बिना कुछ कहे अंदर जाती है और कुछ देर के बाद एक सूटकेस के साथ बाहर आती है। ये क्या है, कहाँ जा रही हो? आपको अगले साल तलाक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी जा रही हूँ। क्या, कहाँ जा रही हो रेशमा? हॉस्टल जा रही हूँ, मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है। आपको अब मुझे तलाक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको खुद ही खुला के पेपर्स भिजवा दूंगी। क्या? नहीं रेशमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कर सकती नहीं, कर रही हूँ। देखो, तुम जानती हो मैं गुस्से में कह देता हूँ। अच्छा, अब कभी नहीं कहूंगा, मैं बदल जाऊंगा, प्लीज रेशमा। आपको बदलना है या नहीं यह आपकी मर्जी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है।
मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी और आपको तलाक देने की तकलीफ भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या हो गया है तुम्हें? आखिरी चांस दे दो, देखो तो सही। देखिए, मेरी टैक्सी नीचे खड़ी है और आधे घंटे में मेरे हॉस्टल का दरवाजा बंद हो जाएगा। मुझे देर हो रही है, खुदा हाफिज। रेशमा, 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 प्लीज रुक जाओ रेशमा, अब मैं कभी तलाक। क्या आप समझते हैं कि रेशमा ने अपने पति को छोड़कर सही किया? तलाक की धमकी देना मानसिक हिंसा है, जिसका प्रयोग अक्सर मर्द अपनी पत्नी को डराने के लिए करता है। अगर उसे पता चल जाए कि उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी, तो वह तलाक का प्रयोग डराने के लिए कभी ना करे। रेशमा और रेहान की शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई औलाद नहीं है। तुम डॉक्टर के पास गई थी? गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला है मेरे सारे टेस्ट ठीक हैं। वो तुमको टेस्ट के लिए बुला रही हैं। मुझे क्या हुआ है? तुम अपना इलाज कराओ। शादी के वक्त मेरी पढ़ाई नामुकम्मल रह गई थी। मैं सोच रही हूँ फिर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूँ, ताकि मेरी बीए कंप्लीट हो जाए। तुम्हारी पढ़ाई का क्या फायदा? अपने बच्चे तो है नहीं, दूसरों के बच्चों पर ध्यान देती रहोगी। कम से कम ध्यान बटा रहेगा। आप तो इलाज के लिए राजी नहीं होते, तो फिर आगे बच्चे की भी उम्मीद नहीं है। क्या तुम समझती हो मेरे में कोई कमी है? और सुनो, मेरे पास तुम्हारी फीस के लिए कोई पैसे नहीं है। करना है तो अपने अब्बा से मांगो। अरे बेटा, अगर मैं पोते का मुंह देख लूं तो सुकून से मर जाऊं। अम्मी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप दुआ कीजिए हमारी औलाद की, अल्लाह आपकी जरूर सुनेगा। अम्मी, हमारा ऐसा नसीब होता तो आज इतना तरसना ना पड़ता। आप अपनी अम्मी के सामने मुझे इतनी जली कटी क्यों सुनाते हैं? देखो, मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज कहने की जरूरत नहीं है, बदतमीज औरत। मैंने क्या कहा है उनको? मैं भी इंसान हूँ। मुझे हर वक्त इस तरह बेइज्जत करना कोई इंसानियत तो नहीं है, और ना ही अल्लाह को यह सब पसंद होगा। देखो, अगर अगले साल तक बच्चा नहीं हुआ ना, तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। रेशमा अपने अब्बू से फोन पे बात करती है। रेशमा, कैसी हो बेटा? अब्बू, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मैं अपनी बीए कंप्लीट करना चाहती हूँ। जी बेटा, बिल्कुल शुरू करो, अगर तुम्हारा शोहर इजाजत दे दे तो। अब्बू, उनको तो बस फीस की प्रॉब्लम है, वो फीस नहीं दे सकते। अच्छा, अगर हम फीस दे दें तो ठीक रहेगा, हम उसका बंदोबस्त कर देंगे। जी अब्बू, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने खाना नहीं बनाया? वो डॉक्टर के क्लिनिक में देर हो गई थी। इतना खर्चा हो रहा है इलाज पर, इससे तो बेहतर था कि मैं तुमको फारिग करके दूसरी शादी कर लेता। देखिए, आपको मुझे छोड़ना है तो छोड़ दें, रोज रोज तलाक का ताना क्यों देते हैं? अच्छा, तो अब तुम बदतमीजी भी सीख गई। अगर तुमने फिर कभी जवाब दिया ना, तो मैं तुमको वाकई तलाक दे दूंगा। आज कहाँ गई थी? यूनिवर्सिटी गई थी एडमिशन के लिए। तुम एडमिशन ले रही हो और फीस तुम्हारा बाप देगा क्या? जी, अब्बू ने फीस दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, वरना मैं तुमको तलाक दे दूंगा। आपने कभी गिना है आपने मुझे कितनी बार तलाक की धमकी दी है? ऑफिस से घर आने पर रेहान को रेशमा घर पर नहीं मिलती, वह कुछ देर के बाद आती है। तुम बाज नहीं आओगी, यूनिवर्सिटी गई थी ना? नहीं, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी अपनी फाइल लेने। डॉक्टर के पास जाने का भी क्या फायदा? अगर अगले साल तक बच्चा नहीं हुआ ना, तो तुमको वाकई छोड़ दूंगा। और इसको मजाक बिल्कुल मत समझना, मैं तंग आ गया हूँ।
रेशमा बिना कुछ कहे अंदर जाती है और कुछ देर के बाद एक सूटकेस के साथ बाहर आती है। ये क्या है, कहाँ जा रही हो? आपको अगले साल तलाक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी जा रही हूँ। क्या, कहाँ जा रही हो रेशमा? हॉस्टल जा रही हूँ, मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है। आपको अब मुझे तलाक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको खुद ही खुला के पेपर्स भिजवा दूंगी। क्या नहीं रेशमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कर सकती नहीं, कर रही हूँ। देखो तुम जानती हो मैं गुस्से में कह देता हूँ। अच्छा अच्छा, अब कभी नहीं कहूँगा, मैं बदल जाऊंगा, प्लीज रेशमा। आपको बदलना है या नहीं यह आपकी मर्जी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी और आपको तलाक देने की तकलीफ भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या हो गया है तुम्हें, आखिरी चांस दे दो, देखो तो सही। देखिए मेरी टैक्सी नीचे खड़ी है और आधे घंटे में मेरे हॉस्टल का दरवाजा बंद हो जाएगा, मुझे देर हो रही है, खुदा हाफिज। रेशमा रेशमा रेशमा, प्लीज रुक जाओ रेशमा, अब मैं कभी तलाक। क्या आप समझते हैं कि रेशमा ने अपने पति को छोड़कर सही किया? तलाक की धमकी देना मानसिक हिंसा है जिसका प्रयोग अक्सर मर्द अपनी पत्नी को डराने के लिए करता है। अगर उसे पता चल जाए कि उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी तो वह तलाक का प्रयोग डराने के लिए कभी ना करे।